का 2.4.12 अल्ट्रासोनिक मेथड फॉर लेवल मेजरमेंट ये डिस्कस करूँगा। इसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये एक लिक्विड टैंक है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के लेवल को मेज़र करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक मेथड यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये टैंक है, इस टैंक में ये लिक्विड है, ये अलग अलग लिक्विड के लेवल हैं। ये लेवल L2 है, ये लेवल L1 है। L1 वो लेवल है जब टैंक में लिक्विड डाला गया था, उसके बाद हम लिक्विड निकालते रहे, और L2 वो लेवल है फाइनली जो लिक्विड बच गया। तो इस अल्ट्रासोनिक मेथड ऑफ लेवल मेजरमेंट में हम ये करते हैं कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर अपनी एक पल्स इस लिक्विड के ऊपर डालता है और उस पल्स को वो इस लिक्विड की लेवल से रिफ्लेक्ट होके और रिसीवर को प्राप्त होती है। तो ट्रांसमीटर ने पल्स डाली और वो रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर को प्राप्त हुई। ये जो टाइम डिले है ये T1 है, जो कि लेवल L1 के लिए है। अब जब ये लिक्विड यूज हो गया, उस समय इसका जो लेवल है वो L2 आ गया। तो ट्रांसमीटर ने फिर पल्स डाली और वो पल्स रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर को प्राप्त हुई। तो ये डेफिनेटली टाइम है, पहले वाले टाइम के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो इस टाइम को भी नोट कर लिया। अब इन टाइम को हम इस लिक्विड के लेवल के मेजरमेंट के रूप में कैलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई जब हमारा 1 मिलीसेकंड लगता है तो लिक्विड का लेवल इतना है, 5 मिलीसेकंड लगा है टाइम आने में तो लिक्विड का लेवल इतना है। इस तरह ये जो टाइम है बेसिकली, इस टाइम से हम इस लिक्विड के लेवल को मेज़र करते हैं। और इस मेथड को, जिस मेथड में कि टाइम मेज़र किया जाता है, इस तरह के मीटर को हम कहते हैं फैदोमीटर, FATHOMETER। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट स्टोरेज टैंक ऑफ ऑयल्स उनमें यूज किया जाता है, या स्टोरेज टैंक ऑफ केमिकल्स उसमें यूज किया जाता है। इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्स है या बेरियम टाइटनेट है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक ही क्रिस्टल को ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये एक हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाया है लेवल मेजरमेंट के लिए गेट कंट्रोल मेथड से। यहाँ हमने एक गेट लगाया है। ये गेट जब ट्रांसमीटर कोई पल्स देगा तब तो ऑन होगा, और जब रिसीवर कोई पल्स देगा तो ये ऑफ होगा। जब गेट ऑन होगा तो इस गेट के ऊपर ओसिलेटर का जो इनपुट है वो हमको आउटपुट में प्राप्त होगा। तो ओसिलेटर क्लॉक पल्स देगा जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काउंट के रूप में, और इस काउंटर पे काउंट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ टाइम आ जाएगा, उस टाइम को हम इस लेवल मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये L1 लेवल है, ये L2 लेवल है, ये L3 लेवल है। तो अलग अलग लेवल पर जब ट्रांसमीटर पल्स डालेगा, उसी समय ट्रांसमीटर गेट को भी ऑन करेगा। तो ट्रांसमीटर ने पहले गेट को ऑन किया और इसमें पल्स डाली, तो वो पल्स रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पर आई, इसमें कुछ टाइम डिले लगा, रिसीवर ने वापस गेट को क्लोज कर दिया। तो जितनी देर में गेट ओपन रहा उतनी देर में इस ओसिलेटर से पल्सेज निकल के इस काउंटर में जाएंगी और यहाँ पर वो टाइम नोट हो जाएगा। और इस तरह इस टाइम को फिर हम बाद में इट कैन बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड। इस मेथड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट मेथड यूजिंग गेट कंट्रोल सर्किट। थैंक यू।